वेलकम टू सुहाने की दुनिया जी। तो गाइस आज संडे और आज मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही, तो मैंने सोचा कि आज मैं नई जगह जाते हैं, तो आज हम जाएंगे मिनोड़ा किमाड़ी। वहाँ सबसे पहले मैं फिश को जाके पानी में आटा डालूंगी, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, आपको बताऊंगी कि कौन सा ब्रेकफास्ट अच्छा है। चलिए मेरे होटल में आ गई हूँ। यहाँ पे क्या क्या है अंकल, खाने में क्या क्या चीजें होती है? मतलब लस्सी आप लोग स्पेशल है यहाँ की, और क्या क्या चीजें यहाँ की? हलवा पूरी। हलवा पूरी में क्या है? ये हलवा बन रहा है गरम गरम, और उधर सालन बन रहा है छोले का और आलू का। कौन सा ज्यादा स्पाइसी होता है, छोले का या आलू का? दोनों बहुत अच्छे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम ट्राई करी हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगी। साथ ये हलवा है, मतलब नमकीन होता है। ओ नाइस। और ये क्या चीज है अंकल? वाओ, मतलब यहाँ कीमे का पराठा भी मिल रहा है, और ये साथ ही साथ गरम गरम बना रहे हैं। अच्छा एक अंकल, और यहाँ सालन, ये अंकल ये कौन कौन सी सालन है? नहीं, नाश्ता बन रहा है और यहीं सर्व किया जा रहा है। जबरदस्त, सर्दियों का मौसम है वैसे भी। नाश्ता आ गया, ये मैं सर्व कर रही हूँ। और यहाँ हम गरम गरम नाश्ता आ रहा है, इतना जबरदस्त है ना, सीरियसली मजा आ गया। मतलब हलवे में असली घी डाला हुआ इन्होंने, डबल हो जाएगी खाने, मतलब ये एक दिन में हमारी कैलोरीज को डबल करने वाला है। अचार भी आ गया, अचार अचार भी आ चुकी, कीमा पराठा जी। तो कैसा लगा आपका नाश्ता सुहाना? यार कैसा लगा आपका नाश्ता? मुझे तो नाश्ता बहुत अच्छा लगे, आप लोग जरूर आए। इनकी लस्सी में भी बहुत बहुत फायदे जैसे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये यहाँ के सूट कराची सूट के मालिक हैं, और मैं आज इनसे इंटरव्यू लेने आई हूँ। तो अंकल अभी बताइए कितना पुराना होटल है, कब से बना हुआ है? 1946 से बिफोर पार्टीशन। ओहो, 1956 पाकिस्तान बनने से पहले की ये मतलब जगह है। अंकल आप ये बताएंगे यहाँ की स्पेशल सबसे ज्यादा लोग क्या खाना पसंद करते हैं? हलवा है ना, सूजी का हलवा, देसी घी का होता है हलवा पूरी। ये तो सच है, हलवा बहुत अच्छा है, ये को ज्यादा लाइक करते हैं लोग जी। वैसे मिठाइयों में उतनी वैरायटी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है ये ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ संडे को मिलती है हलवा पूरी, या मतलब पूरे हफ्ते मिलती, पूरे वीक मिलती है? साल के 365 दिन कोई दुकान बंद नहीं होती, एक दिन भी बंद। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा यार मुझे बताइए आपकी जो माशाल्लाह टाइमिंग क्या है, शॉप कितने बजे खुलती है? फजर के बाद फजर की नमाज पढ़ के हम काम स्टार्ट करते हैं। फजर की नमाज से पहले तैयार होता है, लेकिन हम सेल नहीं करते। तो ये रात तक पर कितने बजे? ये नाश्ता चलता है 1 बजे तक जी। उसके बाद क्या चलता है? समोसे, मिठाई, सही आइटम जो है ना, 5-6 बजे तक चलते हैं। तो आप पूरे दिन यहाँ ही रहते हैं? मतलब तो ये मेरे अंकल, जब हमने आपकी हलवा पूरी खाई ना, तो मतलब हमें ऐसा लगे कि आज तक हमने कहीं की ऐसी हलवा पूरी नहीं खाई। जो आपकी दुकान के मतलब के जो टेस्ट है, मतलब लग रहा है कि जितनी मेहनत से जो बना रहे ना, और एक ये चीज बहुत अच्छी है कि मतलब सामने सर्विस हो रही है और खाना आ रहा है, उसका एक अलग ही मजा है। डायरेक्ट
ऐसी है कि हमने आटा जो है ना, हम चक्की के आटे की पूरी बनाते हैं, लाल आटा भी नहीं होता ना सफेद आटा होता है। तो अंकल आप मुझे ये बताएं कि आप जब पाकिस्तान नहीं बना, दादा ने बनाई थी, दादा ने बनाई थी, यही पूछना चाह रहा मैं। तीसरी नस्ल बैठ रहा हूँ आप माशाल्लाह, तीसरी नस्ल है माशाल्लाह। तो आपके बेटे? हाँ मेरे बेटे अभी तो पढ़ रहा है। अच्छा, फिर उनका भी यही इरादा है माशाल्लाह। तो पूरे ओनर आप ही शॉप के माशाल्लाह। अंकल आप अपनी शॉप का अगर एड्रेस बता दें तो मैं यूट्यूब में डालूंगी, तो फिर लोग भी आराम से आपकी शॉप में आ सके और नाश्ता मजे का कर सके। मैं ये बोलूँ एक स्पेशल आप, मैंने कीमा का भी पराठा खाया जो पूरी जैसा था, वो पराठा है कहते हैं आप लोग या पूरी उसे? ये कीमे का कचौरी बोलते हैं, कचौरी कीमे की, कीमे की कचौरी कहते हैं यार संडे वो लोग, हर संडे बनती है ये, संडे बनती है तो लोग मतलब ये इतनी हैवी है तो खा लेते हैं आराम से नाश्ते खा लेते हैं और बहुत शौक से खाते हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है माशाल्लाह। अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इंटरव्यू दिया, थैंक यू सो मच। मुझे लेकर गए अंदर और अंकल ने मुझे बताया कि किस तरह सफाई से चीजें बन रही हैं। आप देख रहे हैं मतलब आप नॉर्मल नाश्ता करने जाते हैं तो मतलब वहाँ सफाई नहीं होती, यहाँ आप सफाई देख रहे हैं। मैं अंदर तक आ गई हूँ आप लोग को इनकी सफाई दिखाने, ये देखे मतलब हर चीज फ्रेश है और सुबह का टाइम हो रहा है, कितने सफाई से ये लोग बना रहे हैं। और ना अगर ऐसी जगहों पर अगर छापा भरे तो मतलब पता नहीं कैसे कैसे सामान होते, लेकिन ये अंकल मतलब इतनी सफाई आपने हर चीज के इतना अच्छा मेंटेन कैसे किया हुआ है? आदमी को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है के लिए। सही बात है अंकल, बहुत अच्छा लगा। वो भी इतने साल पुराने जब से चली मुझे लगता है यही वजह है कि इतनी सफाई हो रही, इतनी सफाई है और इतना टेस्ट है कि अच्छा यूज कर रहे हैं, बाजार का गंदा ऑयल भी नहीं है, आटा भी इनका अच्छा है और सफाई नंबर वन की मुझे सफाई न पड़ा। अंकल मुझे खुद अंदर लेकर आया, बोले कि आप देखेंगे अंदर सफाई, हमने बर्तन भी धुल रहे हैं कितनी सफाई से, अलग अलग एक एक प्लेट अलग धुल रही है और लेमन मिक्स माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आपके जिसमें बरकत दे, ऐसे ही मारते रहे खाते रहे और सेहतमंद होते रहे माशाल्लाह। हर संडे इनके होटल में आए और खाना। सीरियसली अंकल हमें हर जगह के खाने इतने अच्छे नहीं लगते, आप वैसे आपकी क्लास क्या उर्दू स्पीकिंग है आप? जब भी तो इतना टेस्ट है माशाल्लाह आपके हाथों में, मतलब आपके रेस्टोरेंट में। किमाड़ी मनोड़ा आ चुकी हूँ, मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है सुबह का मौसम, मतलब यहाँ कौवे वगैरह सब है। अभी हाँ, और लेकिन धूप आ चुकी है, धूप थोड़ा सा हमें तंग कर रही है, लेकिन मजा है कि अच्छा है, हमें विटामिन्स मिल रहे हैं सनलाइट से जो जरूरी है। वैसे हम लेट उठते हैं तो इतने दिनों बाद अगर हमें धूप मिल रही है तो उसका भी मजा है। तरह हम लोग जाते हैं सुबह सुबह सी साइड का मज़ा लेने, जैसे कभी भी चले जाते हैं तो हमें चाहिए अगर बाजरा नज़र आए तो साथ इन लोगों को भी डाल देते हैं, कौवे को डाल देना चाहिए ताकि जिस तरह हम सी साइड में एंजॉय करने गए तो इनको भी एंजॉय मिल जाए खाना खा के। मतलब बर्ड्स को बाजरा डाल दिए और हमें फिश के लिए आटा फेंकने जा रही हूँ। कच्चा एक पक्का, कच्चा आन खाएगा और पक्का मैं। तो आप भी सोच रहे होंगे अभी इतना सारा नाश्ता करके आए हैं फिर दोबारा नाश्ते के में चले गए, तो ये इसलिए था क्योंकि हम लोग को ना पराठा और चाय ज़रूर खानी थी। तो हम लोग बोला कि अब हमने हलवा पूरी तो खा ली और हम सी साइड से भी घूम आए तो हमें दोबारा भूख लगी, हम बहुत पेटू हैं, तो हमने बोला हम दोबारा खाएंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपना।